महर्षि दयानंद के जोधपुर में विश्वान के 136वें वर्ष पर 4 दिवसीय ऋषि स्मृति सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। महर्षि दयानंद सरस्वती स्मृति भवन न्यास में हो रहे सम्मेलन के दौरान ऋग्वेद, यज्ञ, भजन और विभिन्न विषयों पर प्रवचन के साथ वेद पर राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया जा रहा है। मंगलवार को 22 कक्ष और योग साधना भवन का उद्घाटन किया जाएगा। अब ये जो सारी की सारी बातें और स्थितियां हैं, यदि ये संसार में बढ़ती चली जाए, जिनको धर्म के नाम पर धर्म ग्रंथों ने उपदेश दिया, तो संसार की स्थिति क्या होगी, ये सोचने की बात। क्या जो पिता अपने 8 बच्चों को लड़ने का उपदेश करता हो, अगर देख लें जो धर्म शास्त्र है, तो आपको मिल जाएगा कि एक दूसरे को ठगने के लिए कैसे उपदेश दिया। जो तुम्हारी उपासना पद्धति को नहीं मानता उसको ठगा। कुरान को आप उठा करके देख लेंगे तो उससे मिलते जुलते उपदेश संशोधित होकर के आपको मिल जाएंगे, किंतु वेद में आप एक भी उपदेश नहीं ढूंढ सकते जो आपको इस प्रकार का मिले, वो ये कहता हो कि किसी को दुनिया में धोखा दो, किसी को ठग लो, सहमत नहीं है, या मैं उसके विचारों से सहमत नहीं। वेद ईश्वरीय ज्ञान इसलिए है क्योंकि एक ईश्वर की दृष्टि में सारी प्रजाएं, पूरी दुनिया के मानव एक है।